नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। अलीगढ़ में दोस्तों की शराब पार्टी में पत्नी द्वारा मीट नहीं परोसने पर पति ने मारी गोली। गंभीर हालत में पत्नी को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी पति फरार है। घटना थाना सिविल लाइन्स क्षेत्र के हाथीडूबा इलाके की है। पीड़ित पत्नी की शादी को 14 साल हो गए। वहीं शादी के बाद ही पति असलम द्वारा शराब पीकर मारपीट को पत्नी सहती रही। सोमवार देर शाम दोस्तों की शराब पार्टी में मीट नहीं परोसना पत्नी को भारी पड़ गया। थाना सिविल लाइन्स के हाथीडूबा इलाके में असलम अपने दोस्तों के साथ घर की छत पर शराब पार्टी कर रहा था। इस दौरान पत्नी नसीम से मीट परोसने को कहा। पत्नी ने नानुकुर कर दी। इस बात से पति असलम तमतमा गया और घर में रखे अवैध तमंचे से पत्नी पर फायर कर दिया। पत्नी कुछ समझ ही नहीं पाई। वहीं गोली लगने से पत्नी लहूलुहान हो गई। गोली चलते ही घर में अफरा तफरी मच गई। नसीम के दो बच्चे भी उस समय घर में ही थे। पिता असलम द्वारा गोली चलाने से बच्चे दहशत में आ गए। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर पड़ोसी भी घर में पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी असलम और उसके दोस्त घर से फरार हो गए थे। परिजनों का कहना है कि असलम शराब पीने के बाद अक्सर पत्नी नसीम से झगड़ा करता था। देर रात भी जब पत्नी ने मीट परोसने से इनकार कर दिया तो विवाद बढ़ गया। पति का पारा चढ़ गया और पत्नी को गोली मार दी। पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायल नसीम को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। परिजनों ने थाना सिविल लाइन्स में तहरीर दी है। इस मामले में क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से बंटी कुमार की रिपोर्ट। बेटा क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था ये बताओ। हमारे घर के नीचे रहता है एक, वो बाहर है, उन्होंने बस सालन मांगा नाम था। क्या बताओ। बाबर भाई। तो क्या हुआ था, उन्होंने सालन मांगा तो खाली उन्होंने क्या कहते हैं हम देने जा रहे होंगे, तो उन्होंने कह दिया क्या कहते हैं देखिए दिखा तो फेंक दूंगा, तो उन्होंने फेंक दिया क्या कहते हैं, तो फिर वो अंदर गए होंगे धुलाई कर रही थी तो आके गोली मारी। कौन धुलाई कर रहा था। अम्मी। अच्छा, इससे पहले भी लड़ाई झगड़े होते थे घर में। हाँ। गोली किसने मारी अम्मी को। पापा ने। क्या नाम है आपकी अम्मी का। नसीम। और आपका क्या नाम है। तमन्ना। और कहाँ रहते हो आप। हाथीडूबा रहती है मेरी, या मैं बाहर चली जाती मुझे अगर मालूम होती, मैं मतलब वहीं पर रही सफाई कर रही, इतने बाहर निकल के आए तो बोले मैं मार दूँ तुझे। अब पता क्या बोल रही थी, मैं मतलब मैं समझ नहीं पाई मैं भागूं या बोलूं, एकदम से इन्होंने मतलब फायरिंग कर दी। फिर सब लोगों को नीचे भी नहीं मालूम था, मेरी ननद हैं सब लोग रहते हैं कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, मेरे बच्चे मेरे ही पास। कितने बच्चे हैं आपके। दो बच्चे हैं मेरे, बच्चे इन्हों के पीछे खड़े हुए थे लेकिन बच्चे चीख रहे थे, ये नशे में थे इसलिए समझ नहीं पा रहे थे कोई बात। कितना टाइम हुआ आपको। चौदह साल हो गए। तो उससे पहले भी आपके साथ कुछ मारपीट होती थी क्या। हाँ, पी पीने के बाद मारपीट तो हमेशा उससे होती है। पूरे घर मोहल्ले से पूरा कहाँ शादी हुई थी आपकी। हाथीडूबा दो गोश्त वाले के लिए हाथीडूबा में। कितने बजे की घटना होगी लगभग। क्या घटना हुई थी क्या। घटना ये मतलब जो इनके भांजे दामाद हैं जो कि हैं, उन्होंने खाने वगैरह के किसी मांगा था, ये लोग छत पर बैठे हुए थे अपने ड्रिंक वगैरह जो भी इनका मामला चल रहा था। कौन बैठा था छत पे। छत पे यही असलम, मतलब वो असलम जो और वो असलम कौन, असलम कौन है जिसने गोली मारी मेरी बहन के लिए, हमारे बहन गुड्डू वगैरह और बाकी दो चार लोग हैं जो कि वहीं के रहने वाले हैं इधर उधर के, बाकी इधर बड़े गलत लोग हैं, वो छत पर बैठे हुए तो ऊपर से उतर गए, किसी ने कुछ भी कहा तो उसके बाद में उन्होंने गोली मार दी। अच्छा, कहाँ के ससुराल की बात है आपकी बहन की। जी ससुराल की। कहाँ की है ससुराल आपकी बहन की। ससुराल तो हाथीडूबा में थी लेकिन अब फिलहाल में अपनी ननद के यहाँ पर रह रही है वो। कहाँ पर। हाथीडूबा। हाथीडूबा में। तो कितना टाइम हुआ था शादी को। शादी को सर 14-15 महीने थे। और कितने बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। क्या अब पुलिस ने कोई कार्रवाई करी। कार्रवाई सर अभी तक तो कुछ ना पता क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या है क्या ना है, लेकिन अभी तो कुछ भी मालूम ना है। कोई पकड़ा गया उनमें से। अभी सर कुछ भी ना, कंप्लेंट दे दी है बस इतना पता है। कितने टाइम की घटना है ये। सर अभी हमारे पास कॉल आई थी करीब 1-2 घंटे पहले। क्या नाम क्या है उनका आपकी बहन का। बहन का नाम नसीम। और जिन्होंने गोली मारी, गोली किसने मारी थी। असलम उर्फ अब्बुल। असलम कौन है। बहन भी साहब।